मराठा वीरेंद्र वर्मा का काफिला पहुंच चुका है दादूपुर गांव में, सैकड़ों मोटरसाइकिलों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ। हाँ ताऊ जी, आप ये कहना चाहूंगे कि महाराज वीरेंद्र वर्मा तीन चार बार इलेक्शन लड़ चुका है, इनके हमारी मेहनत यह है कि हमारी मेहनत पूरी होनी चाहिए, डटका खड़े जान तन मंदन। ये देखिए ताऊ जी पूरा हौसला करते हुए तन मंदन के साथ जीत का दावा कर रहे हैं, ट्रैक्टरों को सजा करके लाया गया है, ट्रैक्टर को बिल्कुल सजा करके लाया गया है। मराठा वीरेंद्र वर्मा के समर्थन में पहुंचे हैं सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर और कंबाइन पर मराठा वीरेंद्र वर्मा इस समय सवार हैं। लगातार ये तस्वीरें गांव दादूपुर रोडान से आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलते हुए, ये देखिए किस प्रकार से मोटरसाइकिल के फ्रंट में स्टिकर लगाए गए हैं, झंडा है और सभी जो हैं उनके समर्थन में वोटों की अपील करते हुए असंध किया महासंग्राम, किस प्रकार से तस्वीरें 8 तारीख को आएंगी। और ये मराठा वीरेंद्र वर्मा जी की जब से एंट्री हुई है माहौल जो है पूरा गर्म हो चुका है। मराठा वीरेंद्र वर्मा अपने भाईचारा और बिरादरी को लेकर के बड़ी लीड में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, काफी जन समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ मराठा वीरेंद्र वर्मा के झंडे जो है लहराते हुए, लगभग एक तरफा जन समर्थन जो है गांव दादूपुर रोडान में मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के साथ हो लिया है। और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयान करते हुए और लगातार ये तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर आगे पहुंचते हुए, ये पूरा जन सैलाब ये काफिला लगातार इन तस्वीरों से, और मराठा वीरेंद्र वर्मा कंबाइन पर सवार हैं, और मराठा वीरेंद्र वर्मा कंबाइन पर सवार हैं और समर्थक जो है झंडे लहरा रहे हैं। और ये बिल्कुल ये देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर गांव दादूपुर की ये तस्वीरें हैं। दादूपुर में एक तरफा आज माहौल हो चुका है मराठा वीरेंद्र वर्मा के पक्ष में, जो प्रयास मराठा वीरेंद्र वर्मा के द्वारा किए गए वो कहीं ना कहीं यहां पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा एक तरफा जन समर्थन करके आगे बढ़ते हुए, लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से आप इस समय देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर करते रहे, बने रहे असंध हलचल हरियाणा के साथ। देखिए घरों से महिलाएं भी जो हैं, पुरुष जो हैं, महिलाएं जो हैं, बच्चे जो हैं बाहर निकल कर आ चुके हैं। और देखिए कंबाइन की छत पर भी समर्थक जो है सवार हैं, साइड में लटके हुए हैं, और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी कंबाइन पर इस समय चढ़े हुए हैं और मतदान के लिए वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाली 5 तारीख को तुर्रा के निशान पर वोट की अपील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कंबाइन पर अद्भुत स्वागत यहां पर किया गया है, कंबाइन पर बैठा करके मराठा वीरेंद्र वर्मा को गांव के चारों ओर पूरा राउंड किया गया और एक तरफा यहां पर लगभग समर्थन मिलता हुआ। और भाई इस बार नहीं, बहुत बारी जीत होगी हमारी, अपने भाई सभी बरादरी 36 बरादरी ये कहना चाहूँ भाई इस बार साथ दे दो, लास्ट मौका मराठा जी का, उम्र भी बहुत ज्यादा होगी और इस बार साथ देगा भाई, विजय बना दो, काम का इतना वो करते विकास, क्योंकि मराठा जी नौकरी में रहने रहते अभी इतना काम किया कि ज्यादा काम काम किया, और जो एक बार विधायक बन गए ना तो इस असंत को जिला भी को बनवाएंगे और काम के लाइन लगा देंगे यहाँ काम के, चाहे किसी भी आजाद। और देखिए मराठा वीरेंद्र वर्मा और इसमें एनसीपी और एलएसपी पार्टी के सांझे उम्मीदवार हैं, आगे बढ़ता हुआ ये जन सैलाब और ये कंबाइन पर सवार हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा। और देखिए छतों पर महिलाएं जो हैं चढ़ चुकी हैं और यहां पर उनके दर्शन पाने के लिए कितने सब बेताब नजर आ रहे हैं, और नौजवानों में भी काफी जोश है।
हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मराठा वीरेंद्र वर्मा मतदान की अपील करने पहुंचे हैं गांव धतुपुर रोड़ान में। लाइव तस्वीरें एक तरफा माहौल बिल्कुल पूरा एक तरफा माहौल। लाइव तस्वीरें आप इस समय गांव धतुपुर रोड़ान से देखते हुए मराठा वीरेंद्र वर्मा कंबाइन से इस समय नीचे आते हुए मराठा वीरेंद्र वर्मा पहुंच चुके हैं इस समय रोड भवन दादूपुर में और फूलों की वर्षा करके उनका जो है यहां पर स्वागत किया जा रहा है। फूलों की माला डाल करके स्वागत करते हुए गांव दादूपुर रोड़ान के वासी और बड़ा भव्य स्वागत और फूल पत्तियों से वर्षा करके यहां पर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। युवाओं में जोश यहां पर देखा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहे संदल सल हरियाणा के साथ।